हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ। कैसे हैं आप सब? आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने नहा के ये वाला सूट पहन लिया है, ये देखिए, जो सूट मैंने सिलवाया था करवा चौथ के लिए वो अभी तक आया नहीं है की बात है। अब। लेकिन देखती हूँ मैंने मैं। थ्रेडिंग भी नहीं करवाई, अब की बार हुआ ही नहीं। कल जो थ्रेडिंग वाली थी उससे बात की तो वो मार्केट गई हुई थी, उसने जवाब दे दिया और फिर मेरी थ्रेडिंग भी रह गई। अब देखती हूँ थ्रेडिंग बनती है या नहीं बनती है। और ये शिवी आ गई है। मैंने बिंदी लगाई तो इसने भी बिंदी लगाई, और मैंने लिपस्टिक लगाई तो इसने भी लिपस्टिक लगाई। मैंने हल्का सा मेकअप मेकअप नहीं किया है, बस बिंदी और लिपस्टिक लगा लिया है और मांग में सिंदूर लगवा लिया है इनसे। तो हाँ चलो चलो, फिर अभी वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, सुबह का टाइम है, तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर तैयार होने के तो टाइम यहाँ पर पे। हो रही है करवे भरने की तैयारी। मम्मी इनको कलावा बांध रही है और साथ में ही स्वास्तिक बना रही है हल्दी से, और उसके बाद इनमें पानी भरा जाएगा। यानी कि जो कन्याएं हैं यानी कि लड़कियां हैं उनसे हम लोग पानी भरवा लेंगे। तो ये दोनों बहनें बैठ चुकी हैं यहाँ पर, और मैंने चावल के दाने रख लिए हैं, उनमें थोड़ी सी हल्दी डालकर वो भी रख लिया है, क्योंकि वो भी इसके ऊपर रखे जाते हैं जो टूटियाँ होती हैं उनके ऊपर। चावल और जो दूब होती है यानी दूबड़ा, वो भी रखे जाते हैं ठुटियों के ऊपर। तो बस यहाँ पर एक एक रुपया डाल के दोनों लड़कियों के हाथ से जल भरवाया जा रहा है यानी पानी भरवाया जा रहा है। अगर ब्राह्मण की कोई लड़की होती है तो वो भर देती है, तो अगर वो ना आए तो अपनी घर की बेटियों से यानी लड़कियों से भरवा लेते हैं इस तरह से। तो बस यही काम ये दोनों कर रही हैं। उसके बाद हो चुकी है सजने संवरने की तैयारी। तो यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं रेडी, और ये भी आ चुके हैं। खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। और पता क्या है, यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि चलो एक दो फोटो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मुझसे वीडियो बन गया और मैंने ये फिर क्लिप ऐड कर दी इसके अंदर ही।
खाना भी बनाना है, ऐसी मूर्तियां बनके नहीं खड़े हो सकते हम। अभी हम लग जाएंगे मासी के यहाँ वायना देने के लिए, और उसके बाद आने के बाद हम लोग खाना बनाएंगे। तो हमारा मेकअप कैसा लगा, यानी कि हमारा देवरानी जेठानी का मेकअप जो भी कुछ है लुक, मतलब वो कैसी लगी बताना आप सब लोग। बोले बोल तो आप रहे हो, मैं क्यों कर रही हूँ। ओके बाय। चलिए तो फिर मिलते हैं मासी सास के यहाँ। मैं अरे गाइस आप ना आराम से बैठ जाना, आपको थोड़ी देर बाद वीडियो आएगी। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है कहानी सुन रहे हैं, पहले कहानी सुनेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बायना वगैरह मिलेंगे। और ये बायने वगैरह मिनसने की वीडियो जो है वो कल आएगी, आज ये वीडियो आएगी। मैं जानती हूँ कि वीडियो काफ़ी लेट हो गया है फ्रेंड्स, तो लेकिन क्या करूँ, एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग चेरी से ही कहानी सुन रहे हैं। ब्राह्मण की जो लड़कियाँ थी वो आई थी, लेकिन उस टाइम तक हम लोग तैयार नहीं हुए थे। तो फिर वैसे भी हम लोग मतलब लड़कियों से ही सुन लेते हैं, और अपने हाथों में चावल और दूध के दाने लेकर तो हम लोग कहानी सुनते हैं। और उसके बाद जो चावल और दूध के दाने होते हैं, दूब होती है, तो उसको हम लोग अपने पल्ले में बांध लेते हैं। और जिस टाइम हम लोग अर्घ देते हैं ना, तो उस टाइम वो दाने मतलब दाने और दूब जो है यूज़ होती है, मतलब उस टाइम वो चांद की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग कथा सुनने के बाद मम्मी के पाँव छुए और चेरी के पाँव छुए हमने, और सोनिया ने मेरे भी पाँव छुए थे, मम्मी के भी और चेरी के भी। तो सबके एक दूसरे के पाँव छुए, मैंने मतलब कि मैंने अपने बड़ों के पाँव छुए और सोनिया ने अपने बड़ों के पाँव छुए। तो बस उसके बाद हम लोग उठ गए थे और हम लोगों ने अपनी जो है तैयारी शुरू कर दी थी बायना वगैरह निकालने की, और फिर हम लोग गए थे मासी सास के यहाँ। तो चलिए फ्रेंड्स आप भी हमारे साथ कहानी सुन लीजिए। चंद्रमा को अग्रह दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम बारह महा के चोट के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति उन्हें जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक बारह माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया, और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति उन्हें देवता सदृश जीवित हो उठा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।